हम लोगों को कुछ पाना नहीं है, पाना नहीं है तो पाने के लिए कुछ करना नहीं है। करना क्या है फिर? जो हमारे पास मूल धन है उसको सुरक्षित रखना है। बाहर का मूल धन उसकी सफलता तो तब है कि वह बना रहे और मुनाफा उसका जो ब्याज है वो बढ़ता चला जाए। कोई व्यापारी 1 लाख रुपए लेकर व्यापार करे, दुकान में ग्राहक तो आए लेकिन मुनाफा ना हो, बस 1 लाख का 1 लाख ही रहे तो व्यापारी खाएगा क्या और खिलाएगा क्या? खाने और खिलाने के लिए तो तभी होगा जब मुनाफा बढ़ता जाएगा। लेकिन हम अपना मुनाफा न बढ़ा पाए तो मूल धन को ही बरकरार रखें, अपनी मूल पूंजी। हमारी मूल पूंजी क्या है? हमारी शुद्धता। हमारी निष्कपटता, निर्मलता। हर जीव जो शरीर धारण करके दुनिया में आया है निश्चित ही वे सब अपने साथ अपने अपने कर्म संस्कार लेकर के आए हैं। उन्हीं कर्म संस्कारों के अनुसार सबको सुख दुख की प्राप्ति होना है। लेकिन जब कोई जीव मनुष्य शरीर में आया जन्म लेकर, एक प्रकार से शुद्धता लेकर के आया। कौन सी गलत आदत थी जब पैदा हुए? तब कोई गलत आदत तो नहीं थी, कोई दुर्गुण नहीं था, कोई दुराचार नहीं था, कोई दुर्व्यसन नहीं था, कोई छल कपट नहीं था, दुराव छिपाव नहीं था। दुर्गुण तो कुछ भी नहीं था ना, तो ये भी कहा जा सकता है कि दुर्गुण नहीं था तो सद्गुण भी तो नहीं था। न साज बोलता था, न सेवा करता था, न कुछ, सद्गुण भी तो नहीं था। ये भी बात है, सद्गुण नहीं था वो तो है तो दुर्गुण भी नहीं था। तो कम से कम हम सद्गुणों का विकास न कर पाए तो दुर्गुण दुराचार से तो बच करके रहें। दया नहीं बढ़ा पाए कोई बात नहीं है, क्षमा नहीं बढ़ा पाए कोई बात नहीं, धीरज नहीं बढ़ा पाए, सत्य नहीं बढ़ा पाए कोई बात नहीं। लेकिन दया तो नहीं बढ़ा पाए, निष्ठुरता बढ़ा लिए, अहिंसा तो नहीं बढ़ा पाए, हिंसा बढ़ा लिए, क्षमा नहीं बढ़ा पाए, क्रोध बैर बढ़ा लिए, विनम्रता तो नहीं बढ़ा पाए, अहंकार बढ़ा लिए। ऐसे और भी ले लें आप। शुद्ध होकर के पैदा हुए थे, कोई दोष नहीं था, कोई दुर्गुण नहीं था। और कहना चाहिए
कोई बंधन भी तो नहीं था, न काम था, न क्रोध था, न लोभ था, न मोह था, ये सब बंधन के कारण है। ये कहा जा सकता था ये भी नहीं तो, त्याग नहीं था, बैराग नहीं था, ज्ञान नहीं था, ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, त्याग नहीं बढ़ा पाए, बैराग नहीं बढ़ा पाए, तो काम क्रोध क्यों बढ़ा लिए गए, उसे भी ना बढ़ाते, जैसे जैसे रह जाते काम बन जाता। जहिया जन्म मुक्ता हता, सदगुरु कबीर कहते हैं तुम सोचो कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम मुक्त थे, काम नहीं था तुम उसे मुक्त थे, क्रोध नहीं था उसे मुक्त थे, लोभ नहीं था उसे मुक्त थे, अहंकार नहीं था तुम मुक्त थे, कौन बंधन था हमारे पास, हमारी वास्तविकता, हमारी जो मौलिकता है सब उसकी याद दिलाते हैं। जहिया जन्म, जब तुम्हारा जन्म हुआ तब सही, मुक्ता हता तुम मुक्त थे, हर जीव मुक्त होकर एक प्रकार से पैदा होता है। आज हमारे जीवन में जिन अपने दोषों से, दुर्गुणों से हम परेशान हैं, दुखी हैं, और हमारा जो दुर्व्यवहार, हमारा जो दुर्गुण, हमारा जो दुराचार दूसरों के लिए भी दुख का कारण बन रहा है, उनमें से कौन था हम पैदा हुए तब, एक भी तो नहीं था। जो जो हम बड़े होते गए, समझदार बनते गए, ऐसा काम करते गए कि स्वयं भी दुखी होते गए और दूसरों को भी दुखी करते चले गए। जीवन तो धन्य उनका है जो इस प्रकार से काम करते गए, अपने सुख को बढ़ाते गए और साथ साथ दूसरों को भी सुखी करते गए। एक आदर्श बन गए, प्रेरणा बन गए। उन्होंने अपने मूलधन को तो बचा रखा ही और बढ़ा लिया, मुनाफा बढ़ा लिया, और ऐसा मुनाफा बढ़ाया कि अपना तो प्रसन्नता से जिए ही और अनेक लोगों को प्रसन्नता का रास्ता बता दिए। प्रसन्नता का रास्ता क्या बता, प्रसन्नता बांटते चले गए। हम उतना नहीं कर सकते तो अपनी प्रसन्नता को तो बरकरार रखें, लेकिन होता उल्टा है। आज क्या अनुभव कर रहे हैं हम लोग, क्लेश, दुख, पीड़ा, क्यों, अपनी मौलिकता को हम बरकरार नहीं रख पाए। उस मौलिकता को बरकरार रखना है। शायद तो साक्षी याद होगी सबको, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, बस गड़बड़ी यही हो गई। चावल लेकर जा रही थी चीटी, दाल मिल गई, रुक गई, सोच में पड़ गई कि क्या करूं। चावल तो लेकर जा रहे हूं लेकिन मजा नहीं आ रहा है चावल में, दाल ले रही तो मजा आ जाएगा। अब पड़ गई चक्कर दाल में, अब वही दाल का मजा उसके लिए सजा बन गया। जी शुद्धता लेकर के चलता है, बीच में मिल जाती है माया, दुनिया का राग रंग, सोते हैं शुद्धता में तो मजा नहीं आ रहा है, दुनिया का मजा लेना चाहिए, राग रंग का मजा। अरे भाई शुद्धता था उसी को पकड़े रह गए होते, क्या नुकसान होता। लेकिन बाहर का राग रंग आकर्षक जान पड़ा और वही आकर्षण बस दुख का कारण बन गया। हम माया न पकड़ते, मोह में न पड़ते, तो हमारा कुछ घाटा नहीं होता,
और माया में पढ़ पढ़ करके मोह बना बना करके हमने कौन सा लाभ कमाया, हमें मिला क्या? जिस लाभ की आशा थी वो आशा केवल आशा ही तो रह गई और आशा ही नहीं रही, निराशा में बदल गई, हमें निराशा में डाल दी। आज अनेक लोग शिकायत करते हैं, क्या जीवन मिला, इस जीवन से तो मर जाना बेहतर, इसमें दूसरा दोषी कौन है? दोषी तो वो स्वयं है जो अपनी शुद्धता को बनाए रखा नहीं पाया। अधिकतम लोग दुनिया में जीवन जीते नहीं हैं, जीवन को घसीट रहे हैं, बस जी थोड़े रहे हैं, घसीट रहे हैं, क्योंकि मौत नहीं आई है। घसीटने का अर्थ क्या है? खीज बनी रहना, दुख बना रहना, चिंता बनी रहना, मन का उलझे रहना, उदास निराश बने रहना, सदे असंतोष में जी का जलते रहना, ये सब तो घटितना है। तो इन्हें जीवन जीत रहा है क्यों? वही अपनी मौलिकता को हम पकड़ करके रख नहीं पाए, इसलिए कुछ पाना नहीं है, कहीं तो कुछ लाना नहीं है, हमारे पास जो है उसी को ही सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित रखने के लिए ही तो ये विवेक विचार सेवा सत्संग स्वाध्याय ये माध्यम है, लेकिन इससे भी मन उठता है। जाकर देखने कहीं दुनिया में लोग बैठे होंगे, कहीं पर चौराहे में बैठकर गप मार रहे हैं, किसी बात को लेकर के विवाद कर रहे हैं, कब यह चलो वहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ बैठे हैं, मेरा फुर्सत नहीं है, प्रपंच की वार्ता कर कर के विवाद में पढ़ पढ़ करके अपने मन को खराब कर रहे हैं, अपनी शुद्धता को नष्ट ही तो कर रहे हैं। लेकिन जिससे शुद्धता बनी रहे वो सत्संग के लिए समय नहीं है, साधना के लिए समय नहीं है। हम जैसे हैं वैसे रह जाते, नुकसान हमारा क्या होता? और एक अजीब बात है दुनिया की, दुनिया में हम सब हैं, अलग थोड़े हैं। पहले तो हम अपने को बिगाड़ते हैं, अगर बिगड़ जाता है तब बनाने की कोशिश करते हैं, अरे पहले न बिगाड़े होते तो बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? मन बहुत चंचल है, तो चंचल किसने बनाया मन को? हमें तो देख देख करके इच्छा कर करके चिंतन बनाए, न इच्छा करते न कोई बाहर की चीजों की चाहना करते, जीवन काम करते, जीवन का गुजर होता, उसमें कोई संदेह तो नहीं था। लेकिन सुख की कल्पना करते गए, सुख की कल्पना करते गए, वही सुख की कल्पना मन के चंचल का कारण बन गई। अब हम कहते हैं क्या करें, मन बहुत परेशान है, मन तो मानता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। अब उस मन को शांत करने के लिए कितनी रगड़ करनी पड़ रही है? ध्यान करो, सेवा करो, संयम करो, साधना करो, विवेक करो, बैराग करो, सब झंझटे में तो पड़ गए। न चंचल किए होते हम अपने मन को, कोई हमारे पीछे तो पड़ा नहीं था, तुम अपने मन को चंचल करो, जैसा था मन शांत वैसा रहने दिए होते।
लेकिन जैसे वो कहा जाता है ना, एकाकी न रमते, ब्रह्म अकेला था तो अकेले में आनंद नहीं आया, अकेले बैठा बैठा ब्रह्म घबराया, तब इच्छा की उसने कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, बस इच्छा किया और अपने में से निकाल निकाल करके बस दुनिया को बना दिया। आनंद लेने की दुनिया बनाया, अब वही ब्रह्म इस दुनिया से मुक्त होने के लिए इसलिए साधना कर रहा है, बड़ा गड़बड़ झाला। अरे न इच्छा किया होता, दुनिया न बनाया होता कि इतने ग्रंथ बनाने की, इतनी साधना करने की, बैराग करने, भक्ति करने की क्या जरूरत थी। दफा हमारी भी है, इच्छा कर करके हम पकड़ते गए पकड़ते गए पकड़ते गए, बांध लिए, अब कहते हैं कि मेरा छूटे कैसे, पहले ना बांधे होते तो कुछ नहीं पड़ता कि छूटे कैसे। सहज याद दिलाते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम मुक्त थे, अभी भी बहुत बिगड़ा नहीं है, जितना बिगाड़ डाले तो उतना बिगाड़ ही डाले हैं, चलो कोई बात नहीं। जब से चेते तब से ही जितना हमने अपने को बिगाड़ डाला है, अब और बिगाड़े हैं ना। जो मूल पूंजी बची है उसको सुरक्षित रखें और जो खो गई है उसको लाने के लिए काम करें, धीरे धीरे बचाते जाएं बचाते जाएं बचाते जाएं, तो फिर वो बढ़ जाएगी। कुछ पाना थोड़े हैं कि हमें मुक्ति पाना है कि ब्रह्म पाना है कि अमुक पाना है, कुछ पाना नहीं है। अपनी निर्मलता को याद रख करके वो निर्मलता बनी रहे, वही काम करना है। लेकिन दुनिया का संबंध है, उसी में सावधान न रहे तो निर्मलता वही खराब हो जाती है, मैल आ जाता है। कपड़ा हम पहनते हैं, कपड़ा तो साफ ही रहता है ना, कपड़ा पहनते हैं प्रयोग करते हैं तो गंदा होता है, सावधानी पूर्वक प्रयोग करें तो जल्दी गंदा नहीं होगा, ज्यादा गंदा नहीं होगा, कम मेहनत पड़े। पहन भी लिए और असावधानी पूर्वक जहां तहां आप बैठ रहे हैं दाग लगा लिए, अब कहते हैं दाग छूटता नहीं है। दाग लगाने के लिए किसने कहा था कपड़े में आपको, पहनो पहनो रोज धोते रहो दाग नहीं लगेगा, दाग लगाने किसी ने कहा नहीं था। अपनी असावधानी हमने दाग लगाया, अब शिकायत करते हैं दाग छूटता नहीं है, अब रगड़ करके धो रहे हैं छूट ही नहीं रहा है। ये तो जीवन की बात है, किसी ने कहा तो नहीं था हमें कि तुम अपने जीवन में दाग लगा लो, कौन कहा था। लेकिन ये भी अब बात खत्म हो गई कि हमारा स्वरूप निर्मल है, हम भूल गए हैं, याद कहाँ है हमारा, हम मूल रूप से निर्मल है, याद कहाँ है हमको। उदाहरण याद आता है, बहुत पहले की बात है, आज से करीब 40-45 साल पहले की बात तो होगी, जब मैं घर में था तब की बात है। ये करीब करीब 70-71 की लगभग की बात होगी। गांव में एक घर था, ये मतलब बहुत बहुत कंजूस लोग थे वहां के लोग, तो एक मित्र थे हमारे अभी हैं वो, दोनों हम लोग जा रहे थे तो उस घर एक लड़का आ रहा था,
तो दूर से देख करके मित्र ने कहा कि ये तो ये नई पैंट कब बना लिया, ऐसा तो ऐसा रंग दिखाई पड़ा था वो, कि जैसे खाकी का कपड़ा आता था ना पहले, ये खाकी पैंट कब बना लिया नया, इनके पिता कैसे उदार हो गए हैं। तो देखे पता चला वो खाकी कपड़ा नहीं था, सफेद था, गंदा होते होते खाकी जैसा दिखाई पड़ रहा था दूर से, इतना कभी धोया ही नहीं था, पता नहीं 6 महीने धोया था कि साल भर से धोया था। ये दशा हमारी भी है ना, अब हमें मालूम भी कहाँ है कि हमारा स्वरूप निर्मल है। हमने तो अपने को मलिन ही मान लिया है, और दुख में जीना मानो हमारी एक नियति बन गई है, लेकिन हमारा स्वरूप मैला नहीं है, निर्मल है, वहां कोई दुख है नहीं। दुख हमारा सृजा हुआ है, जितना भी दुख हमारे जीवन में है वो हमारा अपना सृजा हुआ दुख है। उसी जो अपना सृजा हुआ दुख है उसको खत्म करना है, खत्म हो गया, जिस सुख को हम पाना चाहते हैं हमारे पास पहले से मौजूद है वह सुख। पाने के लिए काम थोड़े करना है, कहा जाता है कि हमें सुख पाने के लिए काम करना है, सुख पाने के लिए काम नहीं करना है, दुख मिटाने के लिए काम करना है, और दुख हमारा अपना बनाया हुआ कहना कर करके उसी दुख को खत्म कर दें बस। और खत्म करने के लिए भी बाहर नहीं जाना है, समझना यह है कि आज मैं दुखी हूं तो किन कारणों से दुखी हूं, मुझे जो दुख मिल रहा है किन कारणों से मिल रहा है, दुख के पीछे इसका कारण भी छिपा हुआ है। तो जिन कारणों से दुख पैदा हुआ उन कारणों को अब बंद कर दें, जिन कार्यों से जिन कर्मों से दुख मिल रहा है उन कामों को करना बंद कर दें। कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं, दुख को ही कारण नहीं, दुख तो कार्य है, दुख एक फल है, परिणाम है, परिणाम नहीं चाहते तो परिणाम के पहले की जो गतिविधि है उनको छोड़ दे, परिणाम ही आ गया सामने। उन कार्यों को उन कारणों को बंद कर दिए, दुख खत्म हो गया, जो सुख हम खोज रहे थे हमारे पास मिला मिलाया पहले से, कहीं गया थोड़ा हुआ है हमारा सुख, हमारी शांति कहीं खो थोड़ी गई है, दब गई है, और तब तक उसका अनुभव नहीं होगा जब तक अशांति के कारणों को हम दूर नहीं करेंगे। कितना भी उपाय कर लें, कितना भी उपाय कर लें, कहीं चले जाएं, शांति मिलना ही नहीं है। सबसे पहले जिन कारणों से अशांति का अनुभव हो रहा है उन कारणों को बंद कर दें बस, अशांति नहीं रहेगी। अशांति के न रहने पर जो शेष रहेगा वो क्या होगा, वही शांति होगी। तो पाना कहाँ है, वो है हमारे पास पहले से, लेकिन हमने उसे ढक दिया है स्वयं। पाना कुछ नहीं है, अपना मूलधन को बना करके रखना है, अपनी मौलिकता को बना करके रखना है, शुद्धता बुद्धता निर्मलता है। बीच में मध्यंस ने सदगुरु कबीर साखी कही थी, कई तरीके अलग अलग होते हैं, हर प्रसंग का अपना अलग अर्थ होता है,
कि अच्छा जन्म बना, अरे जन्म तो अच्छा है ही, बिगाड़ डाले हैं। किसी जन्म खराब होता है क्या? जन्म तो अच्छा है ही, बिगाड़ डाले हैं हमने, बनाना नहीं है, बिगाड़ डाले हैं, उसी को खत्म करना है। बिगाड़े ना तो अच्छा का अच्छा ही है, बनाना कहाँ है? ना बिगाड़े होते तो बनाने की बात कहाँ आती? जन्म तो अच्छा मिला ही था, बिगाड़ डाला हम लोगों ने। बिगाड़ डाला इसलिए कहते हैं कि बना लो। कपड़े में दाग न लगा होता कोई हमें कहेगा क्यों कि जाओ कपड़े के दाग को धो लो? हमने दाग लगा डाला है इसलिए सामने वाले कहना पड़ रहा है कि जाओ इस कपड़े को धो, आओ दाग छूट जाए। ऐसे जीवन को हम बिगाड़े न होते तो कबीर साहब को या अन्य संतों को ये कहना क्यों पड़ता कि जीवन को बना डालो? अच्छा तो है ही वो, खराब कहाँ है जीवन? खराब हमने किया है, इसलिए कहना पड़ रहा है संतों को, जनों को, कि इसे बना डालो, अच्छा कर लो। उस हमारे अच्छा पना को जो बना हुआ है उसको याद करें, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होने वाला है, इसकी तो याद करें। हम क्या थे ये बात भूल गई, क्या होना चाहते हैं ये तो याद करते हैं, लेकिन हम थे क्या वो भूल गए। हम क्या थे क्या हैं मूल रूप में उसको याद कर लें तो हम क्या होना चाहते हैं इसकी कामना नहीं करनी पड़ेगी। हम शुद्ध होना चाहते हैं तो शुद्ध तो है ये पहले से, अशुद्ध कहाँ है हमारा स्वरूप? हम मुक्त होना चाहते हैं, हमारा स्वरूप तो मुक्त है ही, मूल से मुक्त है, लेकिन हमने बांध लिया अपने को बंधनों से। तब कहते भाई हम मुक्त होना चाहते हैं, बंधन न बनाए होते तो मुक्ति काम की कामना क्यों करनी पड़ती? दिशा ही हमारी पूरी की पूरी हो गई है गलत, उसी गलती को सुधार देना है। जा रहे हैं उल्टे मार्ग में, अब उधर से लौट पड़ना है। अक्षर गुरु जी कहा करते हैं, सुना होगा, उल्टे का उल्टा मतलब सीधा, उल्टा है उसको और उल्टा कर दो सीधा हो गया, उल्टा रास्ता में जा रहे हैं उधर जाना बंद कर दो, लौट पड़ो सीधा रास्ता हो गया। ऐसे ही बिगाड़ डाला है, बिगाड़ना बंद कर दो, लौट पड़ो अपनी मंजिल के तरफ, जहाँ चले वहां से बस पहुंच जाओगे। अपनी मौलिकता को याद करें, हर जीव का मौलिक स्वरूप शुद्ध बुद्ध है, निर्मल निर्विकार शांत मुक्त, उसको हम भूल गए हैं, बस अपने को जोड़ते गए मानते गए। ये जोड़ना और मानना और पकड़ना यही दुख का कारण, ये बात अध्यात्म की परमार्थ की है। व्यवहार में जोड़ना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, मानना पड़ता है, बिना जोड़े बिना कुछ पकड़े बिना कुछ माने व्यवहार नहीं चलेगा। लेकिन ये बात तो है परमार्थ की, जीवन की श्रेणी सफलता की। अध्यात्म का रास्ता बिल्कुल उल्टा है, व्यवहार में जोड़ना पकड़ना मानना है, अध्यात्म में जोड़ना पकड़ना मानना कुछ नहीं है। जो पकड़ रखे हैं वो छोड़ दें, जोड़ रखे हैं उसको तोड़ दें, मार रखे हैं मानना बंद कर दें, बस जैसे के तैसा रह गए। धम्मपदम में भी ये बात आई है, उत्तम पुरुष कौन, एक गाथा में कहा गया है, उसी में एक गाथा है उत्तम पुरुष लक्षण बताया गया है कि जो संधि को तोड़ देने वाला है, मेल मिलाप नहीं रखता, मेल मिलाप को तोड़ देता है, संधि को जो एकता है उसको तोड़ देता है, वो उत्तम पुरुष है। अब एकता तोड़ने वाला उत्तम पुरुष कैसे होगा?
संधि है, मेल मिलाप है, उसको बिगाड़ आने वाला उत्तम पुरुष कैसे होगा। लेकिन बात चुकी अध्यात्म की है। संधि क्या है? मोह। मोह ही तो जीव और जगत को जोड़ता है। तो जीव और जगत जोड़ने वाला जो मोह है उसको तोड़ दो। जड़ और चेतन की जो एकता है, दोनों का संबंध है, उसको तोड़ दो, बस उत्तम पुरुष हो गया, कल्याण हो गया। वहां पाना कहाँ है? तो अध्यात्म में पकड़ना नहीं है, छोड़ देना। जो पकड़ रखे उसको छोड़ देना है। जोड़ना नहीं है, जो जोड़ रखे अपने आप दुनिया से उसको तोड़ देना है। बस हम जैसे हैं वैसे रह गए, कुछ कहत लाना नहीं है। लेकिन ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हमें अपने मौलिक स्वरूप की याद नहीं होगी, उसकी पहचान नहीं होगी। गुरुजन उसे अपने मौलिक स्वरूप की याद दिलाते हैं। पहले पहले स्वयं को जानना पड़ेगा ना। सदगुरु विशाल साहब ने जो कहा है, पहले जानी स्वरूप को पाछे बंधन की। पहले अपने आप को जानो कि मेरा मूल स्वरूप है कैसा। जब तक उसके परख नहीं होगी तब तक बंधन की परख नहीं हो सकती है। अपने स्वरूप को परखने वाला व्यक्ति ही बंधनों को परख सकता है। तो अपनी मौलिकता को हम याद कर लेना, सही उसकी हमारी समझ में अपनी मौलिकता बैठ जाए तो बाकी सब ठीक हो जाए। हम जो करेंगे वो शांत तो कल्याण का साधन ही बन जाएगा। और जब तक अपनी मौलिकता की याद नहीं रहेगी, वो बात स्थायी से दिमाग में बैठेगी नहीं, तब तक जो करते रहेंगे हमें अपनी मौलिक मंजिल से सब दूर लेता जाता ले जाएगा। अपना मौलिक जो स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्विकार, उसको पकड़ कर रखें और उसको ऐसे बना कर रखें, बिगाड़े न। बस हम बिगाड़ने चले जाते हैं, दुख इसलिए मिलता है, न बिगाड़े बस काम खत्म। बना बनाया है, बना बनाया रह गया, ऐसा हो गया। इसी के लिए जो हम साधना करते हैं, ध्यान का चिंतन करते हैं, उसी के लिए, और हम बिगाड़े ना। बिगाड़ना नहीं है, बिगाड़ने भी बात आती है, लेकिन वो पता है शुरू में कहा ना मैं अभी कुछ देर पहले कि प्रसंग क्या है। कहीं बिगाड़ने की बात आती है, कहीं बनाने की बात आती है, अलग अलग ढंग से है। सदगुरु विशाल साहब कहते थे, अरे करना क्या है, सब बिगाड़ डालना है बस। तो हम वो बिगाड़ने की क्या कहते हैं, बिगाड़ना क्या है, जो काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर बना रखे उसको बिगाड़ दो बस, बन गया फिर तो उधर का प्रसंग है। तो जहिया जन्म मुक्ता हता, सदगुरु कबीर कहते हैं जब तुम्हारा जन्म था तब तुम मुक्त थे। अपनी उसी मुक्ति को याद रखो, उस मौलिकता को याद रखो, वो बिगड़ने ना पाए। कितना कर लोगे तो सब काम पूरा हो जाएगा बस।